स्टार्ट। महोदय, जिस पीड़िता के पिता रामलाल ने दिनांक 31/1/2013 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री साय 6 बजे से लापता है, उसमें यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री को बीड़ी लेने के लिए किराना के दुकान पर भेजा था, तब से वह गायब है। यदि किसी की व्यथा है कि पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, तब वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक से एक लिखित आवेदन पत्र के साथ संपर्क कर सकता है, और तब भी यदि या तो इस कारण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया था, प्रथम सूचना के बाद समुचित अन्वेषण नहीं किए जाने के कारण कोई परिणाम नहीं निकलता है, समान अपराध होने के कारण पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत कोई दंड नहीं दिया गया। तदनुसार मृत्यु दंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को मामला संदर्भित कद दिया गया। दूसरी तरफ अपीलार्थी की ओर से भी उच्च न्यायालय में अपील किया गया। उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 27/6/2013 के द्वारा न केवल मृत्यु दंड की पुष्टि कर दिया, अपितु अपीलार्थी की अपील भी निरस्त कर दिया। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि कुछ राज्य सरकारों की उदासीनता को देखते हुए यह अनिवार्य भी बन गई है। खासकर पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं और उसके दुष्प्रभावों पर लंबे विमर्श व हिदायतों का खास असर न होता देख सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार से कुछ सख्त सवाल किए। भारत आज दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान का साक्षी है। दुनिया में पहली बार पूरे टीकाकरण अभियान को डिजिटल किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा को आर्थिक विकास के
एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखते हुए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कवरेज योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिससे करोड़ों नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है।